हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रिंट डायलॉग के बारे में बताने जा रहा हूँ सीसॉ डॉट प्रिंट विंडोज फॉर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले चलिए एक बटन को लेते हैं टूल बॉक्स में जाकर। तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है इसलिए डायरेक्ट यहाँ पे सर्च कर लेते हैं बटन। देखिए आ गया, इसको ड्रैग कर लेते हैं। उसके बाद डबल क्लिक करते हैं बटन पे, तो यहाँ पे बटन का क्लिक इवेंट ओपन हो जाएगा। ओपन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए प्रिंट डायलॉग के बारे में बताने जा रहे हैं, तो यहाँ पे राइट कीजिए और प्रिंट डायलॉग। अब इसके बारे में देखिए, इसके बारे में दिया क्या गया है, लेट्स यूजर सेलेक्ट द प्रिंटर। इसमें आप प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं। चूज विद सिलेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट प्रिंट फ्रॉम द विंडोज फॉर्म। तो विंडोज फॉर्म का यूज करके आप प्रिंटर को यूजर सेलेक्ट कर सकते हैं और उसमें जो भी सिलेक्शन है। तो चलिए इसको क्लिक करते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं P1। फिर यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए न्यू प्रिंट डायलॉग यहाँ पे लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ पे अब डायलॉग के बाद यहाँ पे अब प्रिंट डॉक्यूमेंट की जरूरत है, तो यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट तो यहाँ पे PRINT अब देखिए यहाँ पे एरर आ रहा है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या कह रहे हैं, यहाँ पे प्रिंट डॉक्यूमेंट डजंट इनसिट एक्सिट। तो यहाँ पे आप देखिए सो पोटेंशियल फिक्सेस, यहाँ पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक नेम स्पेस आपको ऐड करना पड़ेगा और ड्रॉइंग डॉट प्रिंटिंग डबल क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे ड्रॉइंग डॉट प्रिंटिंग यहाँ पे आ गया। अब देखिए देखिए यहाँ पे ये फिर से एक बार लिखते हैं और प्रिंट और डॉक्यूमेंट यहाँ पे देखिए प्रिंट डॉक्यूमेंट अब यहाँ पे ये आ गया। अब इसका ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं P2। उसके बाद यहाँ पे नेम और प्रिंट डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे आप देखिए P2 का यूज कर रहे हैं, उसके बाद डॉट ऑपरेटर दे रहे हैं। डॉट ऑपरेटर देने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट का हम नाम स्पेसिफाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम देने जा रहे हैं यहाँ पे और प्रिंट डॉक्यूमेंट। फिर यहाँ पे और P1 डॉट डॉक्यूमेंट। तो यहाँ देखिए डॉक्यूमेंट के बारे में दिया, गेट्स एंड सेट द वैल्यू इंडिकेटिंग प्रिंट डॉक्यूमेंट। तो प्रिंट डॉक्यूमेंट में जो भी वैल्यू है गेट करेगा सेट करेगा, तो यहाँ पे P2 को पास कर दे रहे हैं। P2 में जो भी रहेगा वो P1 में जाएगा। अब देखिए यहाँ पे और P1 डॉट अलाउ सिलेक्शन, अलाउ सेक्शन यहाँ पे इसको ले लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बूल इसका है, या फिर ये ट्रू होगा या फिर ये फॉल्स होगा। तो गेट्स एंड सेट द वैल्यू इंडिकेटिंग वेदर सिलेक्शन ऑप्शन बटन 11। तो यहाँ पे ट्रू और फॉल्स देंगे। तो यहाँ पे चलिए फिर यहाँ पे P1 डॉट यहाँ पे अलाउ सम पेजेस, देखिए यहाँ पे अलाउ सम पेजेस है। आप और भी चीज को सेलेक्ट कर सकते हैं, अलाउ प्रिंट टू फाइल, अलाउ करंट पेज, इस तरह का है। तो यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा ट्रू। उसके बाद यहाँ पे एक चीज और, इफ स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं, तो यहाँ पे P1 डॉट शो डायलॉग। तो यहाँ पे शो डायलॉग मेथड है, उसके बाद डबल क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे डायलॉग रिजल्ट डॉट यहाँ पे और ओके कर देते हैं, ठीक है। अब ये कंडीशन सेटिस्फाई
सही रहेगा तो ये अंदर जाएगा और ये प्रिंट करेगा, तो p2 डॉट प्रिंट प्रिंट मेथड को कॉल कर। और देखिए इस कोड को एग्जीक्यूट करके देख रहे हैं तो विंडोज फॉर्म का यूज करके आप तो प्रिंटर को ओपन कर सकते हैं। तो बटन के क्लिक इवेंट पे देखे हैं मैंने ये सारा कोड, तो यहाँ पे ओपन हो गया। चलिए आप बटन पे क्लिक करते हैं, बटन पे क्लिक किए तो यहाँ पे देखिए प्रिंट प्रिंटर का ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ पे आप नेम जो भी अगर आपको अच्छा लगे आप ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे फैक्स है, इस तरह का ऑप्शन है, तो यहाँ पे पीडीएफ में अगर डालना है तो पीडीएफ डाल सकते हैं। तो ये सब चीज यहाँ पे चेंज हो गया। फैक्स है तो फैक्स सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद एचपी प्रिंटर है तो वो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रॉपर्टीज का देख लें तो इस तरह का यहाँ पे एचपी प्रिंटर इस तरह का है। छोड़िए इसको तो कैंसिल कर देते हैं। प्रॉपर्टीज जाने के बाद एचपी प्रिंटर इस तरह का सारा दिख रहा है। अब देखिए प्रिंट टू फाइल यहाँ पे इंडिकेट करेंगे तो फाइल को प्रिंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे प्रिंट रेंज, तो आप रेंज ज्यादा आप दे सकते हैं, नंबर ऑफ कॉपीज यहाँ बढ़ा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे और फ्रॉम, तो यहाँ पे दो से यहाँ पे देते हैं चार तक, ठीक है। उसके बाद अगर यहाँ पे सिलेक्शन सेलेक्ट करना है सिलेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ पे देखिए डायलॉग रिजल्ट, यहाँ पे ओके आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्रिंट वन और पेज वन प्रिंट और प्रिंट आउट में इस तरह का ऑप्शन आपको मिलेगा। तो ये कैंसिल हो गया। तो इस तरह से आप तो और प्रिंटर के ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं इस विंडोज फॉर्म एप्लीकेशन में। तो इतना सा आपको छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा। चलिए अब फॉर्म डिजाइन पे चलते हैं। उसके बाद यहाँ से अब वो प्रिंट डायलॉग डायरेक्ट खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ये प्रिंट डायलॉग यहाँ पे आ गया, इसको ड्रैग कर लिया मैंने फॉर्म में, उसके बाद सेलेक्ट किए तो यहाँ पे देखिए ये नाम है इसका। अब देखिए यहाँ पे मैंने ट्रू किया था फॉल्स किया था, बाय डिफॉल्ट ये सब फॉल्स और रहता है और यहाँ पे फॉल्स रहता है। अलाउ प्रिंट पेज ये फॉल्स है, आपको जो अच्छा लगे आप यहाँ पे ट्रू भी कर सकते हैं। चलिए मैंने इसको ट्रू कर दिया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट टू फाइल इसको भी मैंने ट्रू कर दिया। ये सब चीज दिखेगा प्रिंटर ऑप्शन में। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे नन है, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे टैग जो भी ये दे सकते हैं और यहाँ पे इसका नाम है आप डाल सकते हैं। यहाँ पे आप फॉर्म में जाइए, अगर यहाँ पे आप सिलेक्शन जो है अलाउ सिलेक्शन अलाउ पेजेस ये यहाँ पे आप इसको फॉल्स भी कर सकते हैं। चलिए इसको फॉल्स करके देखते हैं क्या होता है। फॉल्स कर दिया मैंने, अब यहाँ पे एक्सिक्यूट कर रहे हैं तो बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए पेजेस का जो ऑप्शन रेडियो बटन था वो ऑफ हो गया, तो इस तरह का। इसी तरह से आप तो यहाँ पे जाइए, इसको ये पॉज कर दीजिए, स्टॉप कर दूं। एग्जीक्यूट कर रहे हैं, बटन पे क्लिक किए तो ये देखिए ये सब चीज ये डिसेबल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस सब चीज को इनेबल करने के लिए यहाँ पे आपको ट्रू जो है उसको देना पड़ेगा कोडिंग, और यहाँ पे ये इसका पार्ट बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रहता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल है प्रिंट
ऑपरेटर के बारे में सीसॉ डॉट नेट विंडोज फॉर्म में। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में और अच्छा लगा होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।